मामला जिला झांसी के तहसील गरौठा अंतर्गत विकास खंड बामौर के ग्राम बरमाइन का है, जो प्रधान प्रतिनिधि और सचिव की मिलीभगत से मजदूरों का काम जेसीबी यानी बुलडोजर से कराए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा गांव के लोगों से मनरेगा के अंतर्गत काम नहीं कराया जा रहा है, जिससे वह बाहर पलायन करने के लिए मजबूर है। और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा ज्यादातर काम जेसीबी से कराया जा रहा है, जहां भाइयों और योगी सरकार ने माफियाओं पर बुलडोजर चलाकर नेक कार्य किया है और बुलडोजर की दम पर ही दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। ऐसे में कुछ जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के निजी स्वार्थ में बुलडोजर का दुरुपयोग कर अपनी जेबें भरी जा रही हैं तथा शिकायतकर्ता को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। स्थानीय ग्रामीणों ने मीडिया के समक्ष अपने बयान में कहा कि ग्रामीणों को रोजगार न देकर जेसीबी से काम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा शिकायतकर्ताओं के खिलाफ थाना ककरवई में दिए गए फर्जी शिकायती पत्र पर न्यायपूर्ण जांच कराई जाए। जब इस संबंध में खंड विकास अधिकारी बामौर से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। गरौठा झांसी से सुनील जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हरन सिंह, प्रधान प्रतिनिधि हैं। ये जो इस तरीके से यहाँ जो काम हुआ है कल, ये जेसीबी से हुआ है? हाँ, जेसीबी से हुआ है। ये गांव की हर की आम रास्ता है। हाँ, किस योजना के अंतर्गत हुआ है? कोई योजना के अंतर्गत नहीं, गांव के जो लोग हैं, हाँ, इन लोगों को आने में जाने में परेशानी हो रही थी ट्रैक्टर में, हाँ, तो इन लोगों ने मिलजुल कर अपनी रास्ता सही करवाया। तो ये लगभग कितने घंटे जेसीबी चली है यहाँ पे? अभी तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंतर्गत कोई काम हुआ नहीं है। हाँ। गांव टीका वो तो चला ही, दो चार घंटे चला ही, हम लोगों ने चला, लोगों ने, गांव के लोगों ने चंदा मिला के, हाँ, काम करवाया। ये कैसे, किसी की व्यक्ति की जमीन है कि सरकार? ये तो सरकार है, ग्राम समाज की है, ग्राम समाज की आम रास्ता है, ये गांव की रास्ता मेन रास्ता है। ठीक, क्या नाम है भैया आपका? राजन सिंह। क्या मामला है जेसीबी वाला? यहाँ पर जेसीबी बुलडोजर चल रहा है और मनरेगा के तहत काम होना चाहिए, मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए। मतलब यही है कि यहाँ जेसीबी चली थी और जो है मजदूर काम नहीं मिल रहा, तो पलायन हो रहा है यहाँ से, और हमने वीडियो साहब से बात करवाई, तो ये सफाई कर्मी है गिरिराज सन छोटेलाल, उसके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया है थाने में। कितने लोगों के नाम से दिया है? उसमें तीन लोगों के नाम दिए। अच्छा अच्छा तो ये बताइए कि जो है इस तरीके से जो हो रहा है, और इसके अलावा और कोई काम? ये आम रास्ता है ना, ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत बरमान है। ठीक ठीक, धन्यवाद। शुभ नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम सर अजयपाल सिंह है, बरमान के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, क्या मामला है जेसीबी वाला जो रोड पे? जेसीबी वाला मामला, जेसीबी द्वारा ये रास्ता बना दिया गया है, जो मजदूरी मिलती है वो नहीं। अच्छा अच्छा, तो मजदूर फिर बाहर जाने को मजबूर हो रहे होंगे। फिर इसके आगे कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक नहीं हुई है कोई? अभी कोई नहीं हुई। अच्छा, ये जो इस तरीके से घटना बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी द्वारा तैयार करके, ये क्या है? सफाई कर्मचारी द्वारा फंसाया जा रहा है, सी एक्ट के लिए फंसाया जा रहा है, और दबाव के लिए, राजीनामा का दबाव बनाने के लिए। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? संदीप सिंह। कहाँ के निवासी? बरमाइन। जिला कौन सा पड़ जाता? जिला झांसी। क्या मामला है ये जो जेसीबी वाला वीडियो वायरल हुआ है, ये किस तरीके से, क्या घटना हुई? सर, इसका ये मामला है कि हमारी ग्राम पंचायत बरमान में मनरेगा के थ्रू जो काम कराया जा रहा है, सभी काम जेसीबी से कराया जा रहा है, ना तो मजदूरों को एक रुपए की मजदूरी मिल रही है, ना मजदूरों से काम कराया जा रहा है। जो भी जॉब कार्ड भराए जा रहे हैं फर्जी जॉब कार्ड में, लेबरों के थ्रू जो पेमेंट निकाला जा रहा है फर्जी निकाला जा रहा है। और कल हमने इसकी शिकायत वीडियो साहब से की थी, इसकी जेसीबी का वीडियो भी है हमारे पास में, और सब फुटेज भी है, तो हमने वीडियो साहब को कल शिकायत की इसकी, तो प्रधान द्वारा उसको गरम सफाई कर्मचारी को सका कर धमका कर उससे एक एप्लीकेशन दिलवाई गई है थाने में हमारे खिलाफ SC ST मुकदमे के लिए और षड्यंत्र के द्वारा, तो इसी चाहते हैं कि इस काम की निष्पक्ष जाँच हो और ये काम रद्द कराया जाए। इसके अलावा और कोई समस्या? इसके अलावा भी और भी दो तीन काम हुए हैं यहाँ पे, अभी हम आपको ले जाएंगे वहाँ पे, दो तीन जगह और भी यही काम चल रहा है, सब जगह इसी से काम चल रहा है, दो तीन जगह सीसी भी हुए हैं, सभी फर्जी सीसी। ये किसी की व्यक्ति की जमीन है कि सरकारी सेक्टर? आम
आम रास्ता है यहाँ से गांव से हार के लिए जाता है। अच्छा, खेतों के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पे 2-3 दिन से जेसीबी चल रही थी, यहाँ भी चल रही, वहाँ भी। हमने वीडियो फुटेज भी है और वीडियो भी है जो हमने कल वीडियो साहब को दिए हैं। ठीक, धन्यवाद।